नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि 29 जून को अमावस्या आने वाली है। शास्त्रों में इस अमावस्या का बहुत महत्व है। आपको इस दिन कई सारी बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है, नहीं तो आपकी छोटी सी भूल आपको दरिद्रता की तरफ ले जा सकती है और आपको हर तरफ से असफलता ही हाथ लगेगी। तो आप घबराइए मत, हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपका घर हमेशा के लिए धन और वैभव से भर जाएगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है, इसीलिए अगर आप इस दिन वीडियो में बताने वाली चीज गाय को खिलाते हैं तो आपको काफी बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में। दोस्तों, गाय को खाना खिलाने से सभी परेशानियाँ, सभी आर्थिक परेशानियाँ आपसे दूर होती हैं। लेकिन आपको बता दें कि उसके लिए भी एक खास विधि है। अगर आप उस खास तरीके से गाय को ये बताई जाने वाली एक चीज खिला देंगे तो आपके जीवन में हर सुख की प्राप्ति होगी। वैसे तो आप किसी भी दिन गाय को रोटी खिला सकते हैं, लेकिन अगर आप खास दिन गाय को ये एक चीज खिलाते हैं तो आपको ज्यादा लाभ फल की प्राप्ति होगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप भी गौ माता की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें जय गौ माता, जय माता दी। दोस्तों, गौ माता के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय की पूजा की जाती है। जो लोग अपने घर से सबसे पहली रोटी गाय को खिलाते हैं उसके घर में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं और उस घर में कभी भी कोई दुख नहीं आता। घर में बनी ताजी आटे की सबसे पहली रोटी गाय को खिलाने से सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर रोटी खिलाते समय आप ये खास शब्द अगर बोल दें तो उस व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, उस घर में कभी कोई परेशानी नहीं आती। इसके साथ ही घर धन धान्य से भरा रहता है। सुबह उठकर नहा धोकर तरोताजा होकर पूजा करने के बाद सबसे पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए, उसके बाद ही घर के अन्य सदस्यों को खाना खिलाना चाहिए। अगर आप रोटी के साथ में गुड़ की डरी डालकर गाय को खिलाती हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है और रोटी खिलाने से आर्थिक परेशानियों से छुटकारा भी मिलता है और जल्द ही व्यक्ति अमीर हो जाता है और उस व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपको बस करना यह है कि गौ माता को रोटी खिलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि रोटी नीचे रख देते हैं, जबकि रोटी आपको अपने हाथ से गाय को खिलानी है और खिलाते समय सिर्फ एक बार आपको ये मंत्रों का जाप करना है। अगर आप पर कर्ज बढ़ गया है और आपको उस उधार से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे में आप काले तिल पीसकर गेहूं के आटे में मिला लें। अब गुड़ और घी मिलाकर एक पेड़ा बना लें और शनिवार के दिन अपने हाथ से गाय को खिलाएं। इससे व्यक्ति को जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलती है, उधार लेने की नौबत दोबारा जीवन में कभी नहीं आती और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। घर के किसी सदस्य का बार बार एक्सीडेंट होता है, बार बार उनके साथ कोई दुर्घटना होती है या दुर्घटना का भय है, तो इससे बचने के लिए गुरुवार यानी थर्सडे के दिन पहली रोटी घी, गुड़ और चने की दाल के साथ गाय को खिलाएं। इससे दुर्घटना का भय टल जाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि चने की दाल को बुधवार की रात को ही पानी में डालकर छोड़ दें और पूरी रात पानी में रहने दें। सुबह उठकर उसे पानी से निकालकर रोटी के साथ गाय को खिलाएं। ऐसा हर गुरुवार करने से शुभ परिणाम मिलते हैं और घर में दुर्घटना होनी बंद हो जाती है। इसके अलावा आप एक उपाय भी कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस उपाय के अनुसार आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलता है और उनकी कृपा से हर वो व्यक्ति जो ये उपाय करता है वो धनवान बन जाता है, जीवन के हर कष्ट और संकटों से छुटकारा मिल जाता है। अब तक जो काम आपके बनते बनते बिगड़ जाते थे वे सभी बनने लगेंगे, सफलता के मार्ग में आ रहे रुकावट दूर हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ऐसे उपाय को करने के लिए आप किसी भी दिन का चयन कर सकते हैं। इस उपाय के लिए कोई खास दिन का होना जरूरी नहीं है। आपको जिस दिन भी उपाय करना हो उस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आपके घर में जहां पूजा घर स्थापित है वहां जाएं और मंदिर में जाने के बाद सभी देवी देवताओं की तस्वीरों को एक साफ कपड़े से पोंछ लें। अगर मूर्ति या प्रतिमा है तो आप उन्हें नहलाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करवाएं। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक
दीपक में घी उतना ही होना चाहिए कि जब तक आप इस उपाय को करें तब तक दीपक बुझना नहीं चाहिए। साथ ही साथ एक सुगंधित धूप बत्ती भी उसके साथ ही चलाएं। अब अगर भगवान विष्णु की प्रतिमा के मंदिर में मौजूद हैं तो आप उन्हें हल्दी से तिलक लगाएं और माता लक्ष्मी को आप कुमकुम और हल्दी दोनों को मिलाकर तिलक लगाएं। लेकिन अगर भगवान विष्णु की प्रतिमा मंदिर में ना हो तो सिर्फ माता लक्ष्मी को आप हल्दी कुमकुम लगाकर तिलक कर सकते हैं। उसके बाद अपने मस्तक पर भी आप कुमकुम से तिलक लगाएं। उसके बाद एक साफ प्लेट लें और हल्दी से उसमें एक स्वास्तिक और एक ओम बनाएं और उन दोनों के बीचों बीच एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का रख दें और साथ ही साथ थोड़ी देर भीगी हुई चने की दाल के कुछ दाने भी रख दें। दाल आपको ये उपाय जिस दिन आप करेंगे उससे पहली रात को आपको पानी में भिगोकर रखनी है और पूरी रात उसे पानी में छोड़ देना है। अब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा करें और उसके बाद आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती करें। अब थाली व दीपक पूजा घर में यूं ही रखा रहने दें जब तक वो दीपक जो आपने लगाया था वो पूर्ण ना हो जाए। जब वो दीपक पूर्ण हो जाए तब आप अपने घर में रसोई घर में जाएं और थोड़ा सा आटा लें। ध्यान रहे कि इस आटे में आप नमक का इस्तेमाल ना करें। अब जो आपने गुड़ और चने की दाल थाली में रखी थी उसे उछा करके आटे के बीच में डाल दें और एक पेड़ा बना लें। इस प्रकार से तैयार हुए पेड़े के ऊपर आप थोड़ा सा हल्दी से तिलक कर लें और किसी गाय को अब आप ये पेड़ा खिला दें और किसी भी गाय को आप ये पेड़ा खिला दें। जब आप ये पेड़ा किसी गाय को खिलाएंगे तो आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद के चलते आपको अपने घर में अनेकों प्रकार के धन धान्य सुख वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और पूरे परिवार को घर में खुशहाली व सकारात्मकता का माहौल देखने को मिलेगा। शास्त्रों में उल्लेख है कि जिन घरों में गाय पाली जाती हैं उनकी तो पीढ़ियां ही कई सुखों को भोगती हैं, अर्थात इतना पुण्य लाभ मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियां संसार का सभी सुख प्राप्त करती हैं। अगर आप गाय को रोटी के साथ थोड़ा सा गुड़ भी खिलाते हैं तो बड़ा पुण्य लाभ मिलता है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप गाय को गुड़ खिलाएं तो गाय हमेशा बैठी हुई होनी चाहिए, खड़ी गाय को कभी भी गुड़ नहीं खिलाया जाता। दोस्तों खासकर सोमवार के दिन शिव की पूजा के बाद भोग लगाकर गाय को कुछ ना कुछ सफ़ेद चीज ज़रूर खिलानी चाहिए, जैसे कि बर्फी, चावल, सफ़ेद लड्डू वगैरह ज़रूर खिलाएं। इससे कई पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होते हैं और सोमवार का व्रत संपूर्ण सफल हो जाता है। मंगलवार को गाय को रोटी के साथ बेसन के लड्डू खिलाने से संपूर्ण लाभ होता है, इससे व्यक्ति का मंगल शांत हो जाता है। और वहीं बुधवार को हरा चरा यानी कि दुर्वा घास खिलाने से बुध ग्रह शांत हो जाता है, इससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। ऐसे में गुरुवार को जब भी आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो थोड़ी सी आप हल्दी मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को 2 रोटी खिला दें, इससे भी बहुत पुण्य लाभ मिलता है। आपको जीवन में लौकिक और अलौकिक दोनों ही फलों की प्राप्ति हो जाती है। शुक्रवार के दिन को खीर खिलाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिसके कारण व्यक्ति मालामाल हो जाता है, माता लक्ष्मी मेहरबान हो जाती हैं। माना जाता है कि शनिवार के दिन गाय को काले तिल और उड़द पीसकर गेहूं के आटे में डालकर रोटी बनाकर खिलाने से शनि दोष शांत हो जाता है। दोस्तों वहीं हर रविवार को रोटी के साथ गुड़ मिलाकर गाय को खिलाने से सूर्य की महादशा ठीक हो जाती है, व्यक्ति निश्चित तौर पर धनी बन जाता है। अगर आपने भी गाय को रोटी खिलाई है तो समझो आपने 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा की है और आपको इसका लाभ बहुत जल्द मिलने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।